हेलो दोस्तों, वेल आई होप ऑल आर वेल। सो गल करते हैं अपकमिंग भर्ती जो आने वाली है वैकेंसीज। मैं पहला भी पिछली वीडियो में भी गल की सी भी 2100 के करीब क्लर्क की पोस्ट आऊगी, ठीक है जी। सो वो सच्ची गल है, 2100 के करीब पोस्ट आऊगी। हूँ मेरे को बकायदा एक डाटा एक्यूरेट वो PPSC कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर की पोस्ट 340 होनी है जी। पंचायत सैकटरी जो रखने 893 पोस्टा आदि होने जी। तहसील वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है जी, यदिया 37 पोस्टा होनी है जी। पुड्डा जूनियर इंजीनियर होनी है जी, यदिया 250 पोस्टा होनी। पुड्डा कलर्क दियाँ होनी है जी, 648 पोस्टा होनी है जी। सीनियर असिस्टेंट PPSC द्वारा होनी है जी, ये करीब 450 प्लस 280, ठीक है जी। ये हो गई 530 पोस्टा ये हो गई, ठीक है जी। टैक्सेशन ऑफिसर स्टेट इनफोर्समेंट PPSC 45 पोस्टा ये हो गई। वेरका कलर्क दियाँ होनी है जी, 200 पोस्टा, ठीक है जी। अगे जी कोर्ट दियाँ जो 1000 पोस्टा होनी है, सबॉर्डिनेट कोर्ट कलर्क दियाँ होनी है जी, ठीक है जी। 1000 पोस्ट होने के करीब है। तो होर भी तुसी देख रहे हो टैक्सेशन इनकम फूड इंस्पैक्टर दी होनी 149, ठीक है जी। सो ए चार्ट दा तुसी स्क्रीनशॉट भावें लैके रख लो, ये पोस्टा आनियाँ जी, ठीक है जी। हजे तक बहुत ही पोस्टा आने की, यानी कि यह पोस्टा इनक्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है जी। ये डिक्रीज PSSB कलर्क दियाँ पोस्टा तो समथिंग 2200 के करीब लगभग पोस्टा आनियाँ ही आनियाँ, ठीक है जी। ये तो एक्सपैक्टर लिखिया 2000 पोस्ट, बाकी 2200 के करीब पोस्ट आनी है। 2150 आ जाए, 2180 आ जाए, 2190 आ जाए, इन पोस्ट आनी। चैनल को सबसक्राइब कर लो अगे तो अगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन लैन वास्ते, ठीक है जी। ये पोस्टा जल्दी तो जल्दी आ रही, ठीक है जी। तैयारी खिच के रखो, काम में खिच के रखो, बस तैयारी तो जोर दे के रखो, और कोई दिक्कत वाली गल नहीं। पोस्टा बहुत आनियाँ, बस ये थोड़ी डिपेंड करता तैयारी पर, थोड़ी तैयारी किदा दी। एक गल खुशी दी तुहानू मैं होर दसा, जो इस बार पंजाब सरकार ने बहुत वधिया गल मान ली अपनी स्टूडेंट्स की, कुछ वधिया कोचिंग सेंटर्स आ उन्होंने मतलब बहुत वधिया एक कहने मुहिम चलाई, जिदा उन्होंने अगे वध के एक कदम चुकया। उन्होंने एक कदम यह चुकया भी सरकार नू इस गल दस्या भी तुसी रिजर्व लिस्ट कढ़नी है, हुण वो रिजर्व लिस्ट आऊगी। इस दी वजह हुण देख लो, मान लो एक गल सुनो मेरी भी, मान लो कोई कैंडीडेट आ, उसका पटवारी भी क्लीयर हो गया, उसका SI भी क्लीयर हो गया, उसका हैड कॉन्सटेबल भी क्लीयर हो गया, उसका AI च भी क्लीयर हो गया। मान लो उन्हें ग्रैजुएशन की हुई इंजीनियरिंग के, उन्हें ग्रैजुएशन बेस्ड सारिया पोस्टा सी उन्हें भर्ती, ठीक है जी। मान लो उन्हें पोस्ट तो उन्हें एक ही काम कर सकते, एक टाइम चार पोस्टा क्लीयर करी बैठा। हूँ चारा चो चार थावे सीटा तो उन्हें मान ली चार थावान पर, पर आनी एक थान पर है। हूँ जो ज्वाइन हो गया, मान लो उन्हें SI की पोस्ट ज्वाइन कर ली, पटवारी जो उन्होंने वधिया लगे मैं पटवारी करना, या उन्हें SI की ज्वाइन कर ली, ठीक है, या उन्हें कोई भी ज्वाइन कर ली पोस्ट, तो एक ही ज्वाइन करूगा। उदू बाद जिहड़ियां बाकी तीन पोस्टा होनी तो खाली हो जानी है, क्योंकि उन्हें पेपर तो क्लीयर कर, वह जिहड़ियां तीन पोस्टा होनी खाली हो जाएगी, वह रिजर्व लिस्ट च पै जानी। मतलब जो रिजर्व लिस्ट आने जिन्ने बंदे जिधर ज्वाइन करे, उदू बाद जिहड़ियां पोस्टा खाली बचनियाँ, उदू घट जिहड़ी मैरिट लिस्ट च बंदे होणगे कैटागरी वाइज, उन्हां बंदिआं नूं उत्थे अपॉइंट कर लिया जाऊगा। ये रिजर्व लिस्ट का यह फायदा होंगे, रिजर्व लिस्ट का बहुत फायदा। रिजर्व लिस्ट आऊगी तो बहुत ज़्यादा कैंडीडेट्स को फायदा होगा। अगे की होंदा सीगा, रिजर्व लिस्ट आउंदी नहीं सी, जिन्नियां पोस्टा भरिया गई जिन्नियां पोस्टा रह गई वो अगे पोस्टा च चल जांदियां सी। हुण इस वारी नहीं इदा होना, हुण जिन्नियां पोस्टा भरिया गई उदू बाद जो पोस्टा रह जानियां जिथे वैकेंट रह जूगी, जिहड़ी पोस्ट खाली रह जूगी उसनू यानी कि फुलफिल किया जाऊगा, जो घट नंबर वाला कैंडीडेट मैरिट तो थले जाके भी उन्होंने चक्या जाऊगा बंदे, ठीक है जी। उस पोस्ट लिए उन्होंने बुलाया जाऊगा कैटेगरी वाइज, जे मान ला SC BC जो भी कैटेगरी का बंदा, मतलब SC के बंदे उन्होंने 15 चाहिए सी, SC के बंदे 13 ने ज्वाइन किया, दो पोस्टा घट है। SC की कैटेगरी के दो बंदे होर सदे जाएंगे, जेडे कट ऑफ उन्होंने पाई सी, उदू जिन्हें कट कट नंबर जी के बंदे हो गए उन्होंने चक्या जाऊगा, उस वास्ते पोस्ट वास्ते उन्होंने रख्या जाऊगा जाने के, ठीक है जी। इस करके तैयारी खिंच के रखो, मैरिट लिस्ट भी आऊगी तो उदू बाद वेटिंग लिस्ट भी आऊगी, इसलिए शुक्र मनाओ, ठीक है जी। सरकार ने जो अपनी गल मान ली है, ठीक है जी। सो चैनल को सबसक्राइब कर लो, ठीक है, बैल आइकन जरूर प्रेस करो, अगे तो अगे शेयर करो ऑफिशियल एंड रियल इन्फॉर्मेशन वास्ते। शुक्रिया जी, थैंक यू।